नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बुढ़नपुर तहसील समाधान दिवस पर शिकायत लेकर आए शिकायतकर्ता विंद्रासन मौर्य का आरोप है कि हम पति पत्नी विकलांग हैं, ना ही हमारे पास शौचालय और ना ही आवास खेती बाड़ी नहीं है। वही गांव में अपात्र लोगों को शौचालय आवास दे दिया गया, जिसकी शिकायत हमने ब्लॉक से लेकर तहसील प्रशासन से कई बार किया गया, लेकिन हम विकलांगों को कौन सुनने वाला है। शिकायतकर्ता अपने को विकलांग बता रहा है। उसका कहना है कि हम पति पत्नी विकलांग हैं और हमें ब्लॉक के कर्मचारी द्वारा अपात्र बताया जा रहा है। वही परेशान शिकायतकर्ता मीडिया से बातचीत करते हुए शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ग्राम रत्नावत, ब्लॉक कोलसा, थाना कप्तानगंज, पोस्ट भरौली। क्या समस्या है? समस्या है, हम पति पत्नी दोनों विकलांग हैं। एक कड़ी खेत भी जोतने योग्य हमारे पास नहीं है, है ही नहीं खेत नाम का। हमने तहसील समाधान दिवस पे इससे पहले प्रार्थना पत्र SDM साहब को दिया था। उन्होंने BDO साहब को आदेश किया था जांच करके कार्रवाई करने के लिए। वहाँ से रिपोर्ट लगा दी गई ब्लॉक के तरफ से कि ये लोग अपात्र हैं। हम जब पत्नी दोनों विकलांग हैं, एक कड़ी खेत नहीं थी। रिपोर्ट कौन लगाया? सेक्रेटरी? सेक्रेटरी लगाए हैं। क्या नाम है? अभिषेक मिश्रा। तो इस स्थिति में जब हमें अपात्र घोषित किया जा रहा, हमें चाहते हैं जिन्हें दिया गया है वो किस स्थिति में थे कि जिन्हें पात्र घोषित किया गया। जांच की जाए तो उसमें सबके पास कुछ ना कुछ मिलेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? हमें आवास चाहिए, शौचालय चाहिए, लाल कार्ड चाहिए। आपने इसकी शिकायत कहाँ किया? हमने इसकी शिकायत जो है समाधान दिवस में किया था, आज फिर अपर जिला अधिकारी को दिया है, आदेश किए हैं। जिला अधिकारी आए थे? जी, जिला अधिकारी आए थे, अपर जिला अधिकारी। अच्छा, अपर जिला। ये जो है जिन्हें आदेश की कॉपी दी है अपर जिला अधिकारी, वो हमारे से कहते हैं जो लोग अपात्र हैं, सरकारी नौकरी काम कर रहे हैं, उनका नाम लिख करके हमें दो। अगर हम एक काम करेंगे तो फिर अधिकारी के होने का फायदा क्या रहेगा? एक बात कौन कर रहा है? तो जिसे राशन के विभाग की है। इंस्पेक्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब इस स्थिति में अपात्र हैं तो क्या गला कटने या फांसी लगा के मर जाए तब हम पात्र होंगे? या ठीक, तो